वेल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे नाम नागर पर पुनः श्री अरविंद ओएस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा जो इससे पहले वाला लेक्चर हुआ है मॉडर्न इंडिया पर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा भी है, देखा भी है उसको, काफी लोगों ने बढ़िया उसे अच्छे से एंजॉय भी किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख लें, क्योंकि ये लेक्चर उसके बाद ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं, उस मॉडर्न हिस्ट्री में हमें कुछ चीजें मिडिवल इंडिया में आती हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि यूरोपियों का आगमन। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? यूरोपियों के आगमन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूरोपियों के आगमन में बहुत सारे लोगों को पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, उनके बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं कि यूरोपियों के आगमन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई सारे उसमें फैक्ट्स होते हैं, वो लोगों को याद नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इन लेक्चर्स के बाद आपको वो चीजें आसानी से क्लियर हो जाए और सारी चीजें माइंड में लाइन बाय लाइन आपको सेट रहे। पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसलिए दिया था कि आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो लाइन बाय लाइन माइंड में सेट रहे, कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का, वो हमारा पहला टॉपिक ही होने वाला है। और पहला टॉपिक कौन सा है? भारत में यूरोपियों का आगमन। ये हमारा पहला टॉपिक है, भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इज दैट क्लियर। अब पहली इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहां मैप लगाकर रखा हुआ है, ठीक है। आपके पास जो भी मैकबुक हो, एटलस हो, उसको आप खोल लीजिएगा, उसमें आप वर्ल्ड का जो फिजिकल मैप है और जो उसका पॉलिटिकल मैप है, दोनों को जब जब मैं बोलूं आप उसको खोलते रहे, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अधिकांश चीजें मैप से इसमें समझ में आने वाली है। मैंने पहले आपको बताया था कि हिस्ट्री के लेक्चर बहुत ज्यादा कहेंगे ज्योग्राफी से कोरिलेटेड रहेंगे, इज दैट क्लियर। इसलिए प्लीज आप मैप देख लें, घबराए नहीं, आप मैप देखेंगे आपको एक चीज क्लियर होगी कि कहां से चीजें कैसी हो रही है। और ये पोर्शन, मैं एक और चीज बता दूं, आपका कहां से जुड़ा हुआ रहेगा, ये पोर्शन आपका जुड़ा हुआ रहेगा आयात से भी, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस वहां पर भी लगेगा, जब आप आयर वाला पोर्शन पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज के मेंस के हिसाब से, तो वहां पर भी इसका रेफरेंस आपको लगने वाला है। इंटरनेशनल रिलेशंस, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, भारत के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इसका रेफरेंस लगेगा। देखिए, हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सबसे पहले हम इसका एक सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस देखने से मतलब यह है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद फिर कौन आया, ठीक है। जब हम सीक्वेंस देखते हैं तो सीक्वेंस में हम देखेंगे सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली, इज दैट क्लियर। सबसे पहले इंडिया में कौन आया? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली का आगमन है, पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन, अराइवल ऑफ, ठीक है, पोर्टुगीज। नेक्स्ट डच आए, डचों का आगमन, तो अराइवल ऑफ डचेस, ठीक है, अराइवल ऑफ डच, ठीक है, इनका इंडिया में आगमन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इनके बाद कौन आए? ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स का आगमन, ब्रिटिशर्स का आगमन, ठीक, सबसे बाद तक यही रहे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स का आगमन मतलब अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इसके बाद कौन आया ब्रिटिशर्स के बाद? इसके बाद आता है डेनिश, तो डेनिश का आगमन, ठीक है, तो अराइवल ऑफ डेनिश, अराइवल ऑफ डेनिश, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, है ना, इसके बाद कौन आया है? फ्रांसीसी आया, तो फ्रांसीसियों का आगमन, तो अराइवल ऑफ फ्रेंच। इसका स्वीडिश, तो अराइवल ऑफ स्वीडिश, ठीक, ये चीजें हमें देखनी है। इसमें अधिकांश जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से काफी ज्यादा आते हैं, यहां से तो बनते ही बनते हैं, और काफी ज्यादा फ्रांसीसियों से भी आते हैं। ये तीन टॉपिक काफी ज्यादा मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनके हिसाब से भी कहेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। ये टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक में आपको कुछ फैक्चुअल कंटेंट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको करनी है, पहले आपके कंसेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होंगे, उसके बाद आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर चाहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आगमन हुआ है पुर्तगालियों का, इज दैट क्लियर। अब पहला क्वेश्चन माइंड में अराइज ये होता है कि पुर्तगाली भारत क्यों आए, या पुर्तगाली इस क्षेत्र में क्यों आए, उसका रीजन क्या था, ठीक। तो उसका रीजन ये था कि देखिए, सबसे बड़ा रीजन था व्यापार,
और मतलब ट्रेड, और ट्रेड के साथ साथ ये चाहते थे कि जो रिलीजियन है, जो धर्म है, ठीक है, जो ईसाई धर्म होता है, उस ईसाई धर्म का ये लोग प्रचार भी करना चाहते थे। ये दोनों चीजें, इज दैट क्लियर? मेन उद्देश्य क्या था? ट्रेड, ठीक है, और नेक्स्ट रिलीजियन मतलब धर्म, और ट्रेड मतलब इकोनॉमी। मैंने आपको पहले बताया था इक्वल देन ई, हर जगह यही चीज आपको ध्यान रखनी है, मॉडर्न इंडिया पढ़ते टाइम, इकोनॉमी इक्वल देन एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी इक्वल देन एम्पायर, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये जिस चीज के लिए आए थे वो क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात व्यापार। अब देखिए आप कि इनको किस तरीके से आने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले पूरा इसका एक सिनेरियो समझिए जो मेंस में कई बार आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखें कि पुर्तगाल है कहां पर। प्लीज आप वर्ल्ड का मैप निकाल लीजिए साथ में और देखते जाइएगा। जब आप देखेंगे इसमें तो आपको ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप, ठीक है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप, ये पूरा यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका और ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, मतलब इंडिया के लिए हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर यहां बात करें तो यहां कहीं आपको देखने के लिए ये वाला पूरा मिलेगा पुर्तगाल, ठीक है। आप पॉलिटिकल मैप निकाल लें, मैंने सिर्फ अभी इस पर कौन सा फिजिकल मैप लगाता था, आप पॉलिटिकल मैप में देख लीजिए, यहां आपको मिलेगा पुर्तगाल और यहां आपको कहीं नहीं मिलेगा स्पेन, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम किसका आगमन देख रहे हैं? पुर्तगालियों का आगमन। तो पुर्तगालियों का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके लिए पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री का सिनेरियो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या भारत का संबंध पहले भी यूरोपीय लोगों से रहा है, क्या यूरोपियों से पहले भी भारत का व्यापार होता था, वो चीजें हमें कहीं नहीं देखनी है। तो जब आप मिडिवल इंडिया और जब आप पूरा एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां पर इंडिया का जो संबंध है, जो भारत का संबंध है, वो भारत का संबंध व्यापारिक संबंध आपको मिलेगा। इंडिया का जो रिलेशन है, मतलब जो एशिया का रिलेशन है किससे, यूरोप से, वो बहुत ही प्राचीन रिलेशन रहा है, एंशियंट टाइम से रिलेशन रहा है, ठीक है। और स्पेशली इन दोनों का रिलेशन, मतलब एशिया का रिलेशन यूरोप में विशेष तौर पर किन दो साम्राज्य से रहा है, वो दो साम्राज्य हैं, एक तो रोम, रोमन साम्राज्य, ठीक है, और सेकंड आपका होता है यूनानी या यूनान। इन दोनों से काफी ज्यादा संबंध इसका रहा है, ठीक। स्पेशली हम यहां पर एग्जाम्पल दें तो इटली, इज दैट क्लियर, यहां पर काफी ज्यादा संबंध जो है देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंडिया के समय पर ही या फिर आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत के समय ही हमारे संबंध जो है यूरोप से डेवलप हुए व्यापार के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारे संबंध यूरोप से पहले ही व्यापार के लिए थे, रोमन और यूनान साम्राज्य से हम पहले भी व्यापार करते थे। अब यह व्यापार कहां से होता था, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो यह व्यापार होता था, जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप मैप देखेंगे तो आपको मैप में दिखाई देगा यहां जो आपका पुर्तगाल है, यहां स्पेन है, ठीक है, और ये पूरा आपका यूरोप है। तो मैं किसके बात कर रहा हूं, सीधे यूरोप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में आपको देखने के लिए मिलेगा, यूरोप का जो संबंध था व्यापार के लिए, ये मेडिटेरेनियन सी है, मतलब भूमध्य सागर, ठीक है, दिस इज द ब्लैक सी, ओके, ब्लैक सी, काला सागर और ये भूमध्य सागर। अगर हम यहां से देखें तो इन लोगों का जो संबंध था व्यापार के लिए, ठीक है, ये लोग व्यापार के लिए कहां से किसका उपयोग करते थे, भूमध्य सागर का उपयोग करते थे। पहले व्यापार के लिए किसका उपयोग करते थे, ये भूमध्य सागर का, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर। आप सोच रहे होंगे उस टाइम पे स्वेज कैनाल बीच में नहीं बनी थी, मतलब जो स्वेज नहर है यहां जो पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वो स्वेज कैनाल कहीं ना कहीं उस टाइम पर नहीं बनी थी। जब उस टाइम पे स्वेज कैनाल पूरी नहीं बनी थी तो उस टाइम पर फिर क्या, किस तरीके से व्यापार होता था, क्या ये लोग यहां से आते थे, क्या लोग यहां से आते थे, किस तरीके से व्यापार करते थे। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, यहां पर आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ, ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा ये वाला होर्मुज स्ट्रेट, और यहां पर गल्फ ऑफ ओमान, और इसके नीचे यहां पर है अरेबियन सी, और ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। लेकिन तो आप यहां से आएंगे तो यहां रेड सी मिलेगा, और इनके बीच में क्या है, यहां पर कौन सा देश है, अरब, इज दैट क्लियर, अरब साम्राज्य बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो कहेंगे इन मार्गों से ऊपर व्यापार होता था, लेकिन बीच में क्या पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वाला पोर्शन बीच में उस टाइम पर देखने के लिए मिलेगा कि स्थल क्षेत्र है, मतलब कि लैंड है, मतलब प्राचीन समय में लैंड एंड वाटर इन दोनों से ट्रेड होता था, दोनों के माध्यम से ट्रेड होता था,
Is that clear? मतलब प्राचीन टाइम पर जो ट्रेड होता था वो ट्रेड भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, इससे होकर दो जगह पड़ती है, एक तो ये वाला रेड सी, तो या तो हम रेड सी ले लें, ठीक है, रेड सी और मतलब भूमध्य सागर से हम गए लैंड पर मतलब जमीन पर, ठीक है, और लैंड से हम किससे जुड़े, या तो हम जुड़ गए रेड सी से, ठीक है, या फिर हम किससे जुड़ गए, ये वाला एरिया पर्शियन गल्फ है ना, या फिर हम किससे जुड़ गए पर्शियन गल्फ से, इज दैट क्लियर। तो यूरोप वाले क्या करते थे, यूरोप वाले जो थे वो यूरोप वाले भूमध्य सागर के माध्यम से, क्योंकि भूमध्य सागर से क्या लगा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज लगी हुई है, ये देखिए आप सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज यहां पर आपको दिख रही है, भूमध्य सागर या इधर अफ्रीका, ठीक है, और इधर एशिया अगर हम देखें तो भूमध्य सागर यहां पड़ता है, तो यहां से यूरोप जो है यूरोप वाले वो यहां आप देख लीजिए कि भूमध्य सागर से जमीन पर आए, मतलब दो चीजों से व्यापार हो रहा है, जहाज से क्योंकि वाटर, ठीक है, मतलब मैंने पहले बताया वाटर यहां पर और लैंड, मतलब जहाज के माध्यम से व्यापार हो रहा है और घोड़े एवं गधों की सहायता से भी व्यापार यहां पर किया जाता है, क्योंकि पहले समय लाता था जहाज से, फिर उसको लाता था घोड़े या गधों पर और फिर भेज देते थे वाटर, मतलब ये चीज देखिए आप यहां पर अगर आप देखेंगे, हालांकि मैं यहां आपको सीक्वेंस समझा दूं मैप में, अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर से लैंड पर जमीन पर आया, जमीन से या तो रेड सी में चला गया या फिर पर्शियन गल्फ में, और पर्शियन गल्फ से और रेड सी से होते हुए कहां अरब सागर, ठीक है, और अरब सागर के नीचे क्या हिंद महासागर, इज दैट क्लियर, यहां पर हम क्या देख ले हिंद महासागर, और हिंद महासागर अरब सागर से हिंद महासागर, ये देखिए अरेबियन सी, अरेबियन सी से ये इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से यहां पर आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसके माध्यम से पूरे चाइना माइना जो सारी पूरा क्या है साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया जो होता है पूरा दक्षिण पूर्व जो एशिया है उस पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए थे, इज दैट क्लियर, मतलब मैं दो चीजें बोलूं कि यहां से यहां आते थे, यहां से पूरा यहां निकलते दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ जाते थे, या फिर यहां से स्थल ये जलमार्ग से, जलमार्ग से स्थल मार्ग होते हुए यहां से आकर पूरा इस वाले एरिया में जुड़ जाया करते थे, इज दैट क्लियर। अब आपको बात बहुत अच्छा तरीके से समझ में आई होगी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं साथियों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये क्यों समझा रहा हूं, आप सोच रहे हैं मैं तो आगमन पुर्तगालियों का पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये पूरा बहस है ब्रिटिशों के आगमन में, डचों के आगमन में उन्होंने किस तरीके से व्यापार किया, क्या सारी चीजें हुई, आज का व्यापार सब कैसे होता होगा, क्या सारे चेंजेस हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, इज दैट क्लियर। तो देखिए यहां से हम इस साइड से बढ़े तो ये लोग यहां तक पूरा ट्रेड कर लेते थे, लेकिन ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, बट एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने निकल कर आती है, वो क्या है, देखिए जब आप शताब्दियों में देखेंगे तो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर लगभग छठी शताब्दी तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पूरा वर्ल्ड में बोलबाला रहा है, पूरे वर्ल्ड में बोलबाला इंडिया का, क्योंकि इंडिया बहुत शक्तिशाली जो कंट्री है वो रहा है पहले, ठीक, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल भी बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है, पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है, हम कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य जो था गुप्ता डायनेस्टी जो आई थी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी तक इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री रहा है सारे मामलों में, स्पेशली इकोनॉमी के मामले में भी, हालांकि उसके बाद भी काफी ज्यादा पावरफुल रहा है, लेकिन उस टाइम तक काफी ज्यादा रहा और कई चीजों पर उसकी मोनोपोली चलती थी, वर्ल्ड में जबरदस्त तरीके से चीजें चल मतलब इंडिया के फेवर में रहती थी। लेकिन क्या हुआ जब इस्लाम का उदय हुआ, तो देखो ये हर जगह चलेगा, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश है ना, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश, तो इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है इन देशों ये देश काफी ज्यादा पावरफुल रहे, ठीक है, चाइना वगैरह इंडिया इंडिया सारे जो इधर कंट्रीज पड़ती है हमारी, कौन कौन सी आज के टाइम में अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है साउथ ईस्ट एशिया, इज दैट क्लियर, एशियन कंट्रीज अगर आपने सुना हो तो जो आशियान नेशंस है उनको अगर आप देखेंगे सारे के सारे आशियान नेशंस को, हालांकि मैं जब आईआर वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा, यहां उसको मैं इतनी ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन उसको जब आप देखेंगे तो कहीं काफी पावरफुल कंट्रीज रहेंगे, लेकिन ये हमेशा गेम रहा है, क्या गेम रहा है हमेशा कि पावर कहीं ना कहीं शिफ्ट होती है, कैसे, आज जिसके पास पावर है जरूरी नहीं कल भी उसके पास पावर रहे, व्हाई, क्योंकि पावर शिफ्ट होती है, जब कोई इंसान खुद को डेवलप करता है तो धीरे धीरे पावरफुल बनना स्टार्ट होता है। इस तरीके से जब एशिया के जो ये वाला पोर्शन है जो पश्चिम एशिया है, ये पश्चिम एशिया पुराना है, पश्चिम एशिया मिडिल एशिया मध्य एशिया, तो ध्यान रहे इसके बाद क्या होता है छठी शताब्दी के बाद,
मैं छठी शताब्दी दे दूं, छठी शताब्दी के बाद, छठी शताब्दी के बाद, ठीक है, सिक्स सेंचुरी जो है उसके बाद में, उसके बाद में पहले कहीं राइज होता है इस्लाम का, राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, अच्छे तरीके से। कहां पर बताइए जरा, अभी मैंने बताया पश्चिमी एशिया है ना, कौन सा एशिया, पश्चिमी एशिया, इज दैट क्लियर, मतलब वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड मिडिल एशिया, मिडिल एशिया, ठीक है, मतलब मिडिल वेस्ट एशिया, मतलब कि पश्चिमी एशिया और मिडिल एशिया, इन दोनों में इस्लाम का अराइज होता है, इस्लाम का उदय होता है, और इस्लाम के उदय के साथ साथ ये लोग कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को बढ़ाने की परिकल्पना जो है वो भी लेकर आते हैं, और छठी शताब्दी के बाद जो पावर है वो इस एरिया में शिफ्ट होती है, पश्चिम एशिया और मिडिल एशिया में, ठीक है। तो छठी शताब्दी के बाद मतलब धीरे धीरे पावर शिफ्ट होना स्टार्ट होती है, तो छठी शताब्दी से मैं कहूंगा नवी शताब्दी तक कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना को काफी ज्यादा डेवलप किया, और नाइन्थ सेंचुरी के बाद, ठीक है, नाइन्थ सेंचुरी से लेकर मैं कहूंगा 15th सेंचुरी तक, नाइन्थ सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रम ध्यान रखिएगा, नाइन्थ सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा जो पावरफुल रहा वो मिडिल एशिया और कौन सा एशिया, यहां देखिए आप वेस्ट एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया, ये दोनों ज्यादा काफी पावरफुल रहे, मतलब पावर कहां शिफ्ट हो गई, मिडिल एशिया और वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया मतलब कि अरब जो साम्राज्य पूरा रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है बीचों बीच, ये वाला जो पूरा पोर्शन है अरब साम्राज्य जो पूरा है, यहां पर पावरफुल पावर शिफ्ट हो गई, इस वाले पूरे एरिया में पावर शिफ्ट हो गई, ठीक है, पाकिस्तान के उधर जो एरिया पड़ता है ईरान इराक वगैरह सारी जो चीजें यहां पर पावर शिफ्ट हो गई, तो ये जब पावरफुल हुए तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे ये लोग पावरफुल हुए इन लोगों ने इकोनॉमिकल अपने आप को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमी पर बल देने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने काम किया उसके बाद में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया अरेबियन सी पर, ठीक है, और रेड सी इधर, और इधर जो पूरा आपका जो मैंने बताया था होर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो था इन लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया, मतलब रेड सी पर भी अधिकार कर लिया, होर्मुज स्ट्रेट से होकर जो अरेबियन सी रास्ता आता है उस पर भी अधिकार कर लिया, अरेबियन सी पर भी अधिकार कर लिया, और इंडियन ओशन पर भी अधिकार कर लिया, और जो स्टेट ऑफ मलक्का है इस पर भी अधिकार कर लिया, इज दैट क्लियर, मतलब अब क्या चीज हुई, अब बात ये क्या निकलना सामने आती है कि अब यूरोपियंस जो है, ठीक है, उन यूरोपियंस का जो व्यापार चल रहा था उस व्यापार के लिए उनको इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, मतलब क्यों, क्योंकि वो कहां से होकर आ रहे थे, लैंड से होकर आ रहे थे, थल से होकर आ रहे थे, और थल और जल उन दोनों जगहों पर कब्जा किसका है, अरेबियन साम्राज्य का, ध्यान रहे किसका कब्जा हो गया है, अरेबियन साम्राज्य का कब्जा हो गया है, थोड़ा सा आपसे इस तरीके से समझिए, देखिए यहां देखिए आप थोड़ा सा मैप में तो आप देख ही चुके होंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, फिर भी आप देखिए मैं इसको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, ये हमने मान लो पूरा अरेबियन एम्पायर, ठीक है, तो अरेबियन एम्पायर पूरा यहां पर है, तो यह वाला पूरा एरिया कौन सा पड़ रहा है, हॉर्मुज वाला एरिया, ठीक है, ये हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, फिर गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर गल्फ ऑफ, ठीक है, ओमान, और यहां पर पूरा अरेबियन सी, अरेबियन सी, तो एक हमें यहां पर इस तरीके से बता दो, एक वाटर वाला रास्ता ये है और रेड सी यहां पर, तो एक वाटर वाला रास्ता ये है, और यहां पर क्या है आपका अफ्रीका है, इज दैट क्लियर, तो अब क्या है यहां पर आपका यूरोप है, अब इस यूरोप के लोगों को व्यापार के लिए आना है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, इनका इस पर भी कब्जा है, इस पर भी कब्जा है, मतलब इनका इन्फ्लुएंस यहां पर भी है, इनका इन्फ्लुएंस यहां पर भी है, और इनका इन्फ्लुएंस यहां पर भी है, और यहां के माध्यम से इनका इन्फ्लुएंस इंडियन ओशियन में भी हो गया है, ठीक है, इंडियन ओशियन में भी इनका इन्फ्लुएंस है, इंडियन ओशियन से जो मलक्का है वहां तक इनका इन्फ्लुएंस है, मतलब कि जो पूरा मैं कहूंगा कि इस पूरे माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया है उस साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड पर, व्यापार पर और समुद्री रास्ते पर बहुत ज्यादा कब्जा किसका है, अरेबियन एम्पायर का कब्जा है, अरबों का कब्जा है बहुत ज्यादा, जब इनका कब्जा है तो यूरोप को अगर आना है, क्योंकि यूरोप पहले इस रास्ते को नहीं जानता था, अफ्रीका के इधर से जो रास्ता है, यह जो रास्ता है, इस रास्ते को पहले यूरोप नहीं जानता था, वो केवल इस रास्ते को जानता था, तो इन लोगों ने क्या किया, जब शक्ति बढ़ी तो इन लोगों ने इनसे बोला कि बेटा आप तुम हमसे परमिशन लो, और हमें निकलने के लिए खड़े रहना, बीच में कुछ लेकर खड़े रहना, निकल रहा चलो डालते हो जाओ जरा, मतलब निकल रहा तो यहां आपको उस रखकर जाना ही है, तभी आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज परमिशन ही नहीं देंगे हम,
इज दैट क्लियर? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया वालों को यहां इन्होंने डेवलप क्यों नहीं होने दिया? अब जो इंडिया थे, इंडिया के जो राजा थे उस टाइम में, जो मुगल एम्पायर था, ठीक है, और जो विजयनगर बहमनी साम्राज्य बाद में डेवलप हुआ, यहीं पर जो साउथ वाले पूरे के पूरे राजा वगैरह हुए, वो लोग क्यों बहुत ज्यादा डेवलप, उन्होंने अपनी नौसेना को डेवलप नहीं किया बहुत ज्यादा, ठीक है, जो जहाज आने वाला कंसेप्ट था उसको बहुत ज्यादा वो डेवलप नहीं कर पाए, भाई क्योंकि ये लोग इंडिया को भी डरा देते थे। देखो यहां पर बीच में ये है तो ये इनको इतना आसानी से नहीं आने देते थे, मतलब व्यापार अगर करना है तो इनसे परमिशन लेकर जाना पड़ेगा, इंडिया को भी अगर यूरोप में व्यापार करना है तो इनसे परमिशन लेकर जाना पड़ेगा, और इंडिया को इन्होंने इसलिए रोक कर रखा था क्योंकि इंडिया को धमकी देते थे, किस बात की? राजाओं को, क्योंकि उस समय राजाओं को जरूरत होती थी बहुत अच्छे घोड़ों की, और घोड़े कहां से आते थे? मिडिल एशिया, वेस्ट एशिया, इज दैट क्लियर? उन घोड़ों की वजह से जो धमकी मार देते थे कि हम तुम्हें घोड़े नहीं देंगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे तुम हमसे, और जब ट्रेड नहीं कर पाएंगे राजा तो इंडिया बिना घोड़ों के काम कैसे चलेगा, युद्ध कैसे लड़ेंगे, क्लियर है बात? तो ये इनका कंसेप्ट रहा है कि इंडिया को घोड़ों देने के लिए मना कर देते थे कि हम आपको घोड़े नहीं देंगे, ट्रेड नहीं करने देंगे, और यहां इन्हें इधर आने के लिए बहुत सारा कर वगैरह वसूल लेते थे इनसे, मतलब जो भी इनको लगता था वो वसूल लेते थे इनसे। तो ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, काफी ज्यादा ये चीज तब हो गई जब बहुत जबरदस्त तरीके से एक काम हुआ, वो ये कि जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि जो टर्की है, ठीक है, इज दैट क्लियर, उस टर्की ने क्या किया, मतलब तुर्की ने क्या किया, यहां बता दे रहा हूं, तुर्की ने 1453, मेरे ख्याल से आप एक बार देख लीजिएगा, 1453 के आसपास, ये 1453 के आसपास जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये जो रोमन एम्पायर का हिस्सा था, कौन से एम्पायर का हिस्सा, रोमन एम्पायर का हिस्सा कुस्तुनतुनिया, इस पर अधिकार कर लिया, किसने, टर्की ने, कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया तो वहां से टर्की ने ही नहीं निकलने दिया, मतलब टर्की किसका हिस्सा रहा उस टाइम पर, जब आप बड़ी हिस्ट्री देखेंगे तो टर्की हिस्सा रहा ओटोमन एम्पायर का, इज दैट क्लियर? तो जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा तुर्की था उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और उसे कहने लगे ओटोमन एम्पायर में मिलाने की कोशिश की और इस वजह से यूरोप को उसने यहीं पर रोक दिया, इज दैट क्लियर? अब यूरोप को अगर इंडिया से व्यापार करना है, मतलब कि अब यूरोप को अगर इंडिया से व्यापार करना है तो वो क्या करे, कैसे व्यापार करे, अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि अब उसे अगर व्यापार करना है, अब उसे अगर साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करना, मतलब इंडिया के साथ साथ मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं तो वो ट्रेड कैसे करे, इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैं इसे करंट से कोरिलेट करूं इस सिनेरियो को, तो करंट से कोरिलेट कैसे होगा, देखो मजेदार बात है, करंट से कोरिलेट ऐसे होता है कि अब उस टाइम पे अरब ने क्या करा, बीच में भूमिका निभाई और वो अच्छे खासे मजे ले रहा था, इसी तरीके आज के टाइम पे इंडिया है, ये चाइना, अगर चाइना को वाटर के माध्यम से भी, जल के माध्यम से भी अफ्रीका और यूरोप पूरा इससे अगर व्यापार करना है, मैं भी इन दोनों को लेकर चल रहा हूं, इन दोनों को भी मैं लेकर नहीं चल रहा हूं क्योंकि हम पर्टिकुलर इनकी ज्यादा बात कर रहे हैं यूरोप वगैरह की, अगर इससे व्यापार करना है तो चाइना के बीच में कौन है, इंडिया है, क्योंकि इधर जो स्थलीय सीमा है उनसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से व्यापार होना इतना ज्यादा संभव भी नहीं, क्योंकि वाटर दुनिया में अभी भी जो ट्रेड होता है बहुत बड़ा जो व्यापार का हिस्सा है वो किसके माध्यम से होता था, जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो आज भी बहुत ज्यादा किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से, सागर महासागरों के माध्यम से होता है, इज दैट क्लियर? अब उस ट्रेड के लिए यहां पर इंडिया बीच में है तो चाइना को बड़ी परेशानी होती है ना, तो चाइना ने क्या किया, देखिए आप थोड़ा सा मैं करंट से कोरिलेट कर रहा हूं, करंट से कोरिलेट करके बता रहा हूं कि यूरोप ने भी यही कहीं यही कुछ किया होगा, चाइना ने क्या किया, चाइना को ट्रेड करना है इंडिया बीच में, ठीक है, इंडिया बीच में, इज दैट क्लियर? तो उसने क्या किया, जो हमारा ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो एरिया हमारा है ये वाला, ठीक है, ठीक, हमारा जो ऊपर वाला पूरा एरिया पड़ता है, ये जो पूरा एरिया ये पीओके, ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक ऑप्शनल रास्ता निकाला, एक ऑप्शन निकाला, एक ऑप्शन ढूंढ निकाला, और उस ऑप्शन में चाइना ने क्या किया, चाइना ने पीओके वाले क्षेत्र से होकर, हालांकि पीओके हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इस एरिया से होकर जो उसकी ओबोर परियोजना चल रही है, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, जो परियोजना उसकी है, उस परियोजना के तहत उसने क्या किया, इस परियोजना का हिस्सा सीपेक, सीपेक का फुल फॉर्म होता है साथियों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके वाले एरिया से हमारे निकलता
पाकिस्तान से होता हुआ, ठीक है, उसका जो ग्वादर पोर्ट है, जो ग्वादर पोर्ट है उस ग्वादर पोर्ट पर जाता है, मतलब ग्वादर बंदर कहां पर जाता है, मतलब यहां से समझने की कोशिश की, अगर आपको दिख रहा हो तो आप देखिएगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैप में देखिएगा, चाइना ने पीओके से सड़क निकाली, ठीक है, और पाकिस्तान होते वो कहां पहुंच गया, यहां, मतलब सीधा उसका टच किससे हो गया, ये वाला पूरा एरिया पूरा सीधा उसका टच किससे होगा, अरेबियन सी से होगा, और जब वो अगर यहां से अरेबियन सी में पहुंच जाएगा तो इधर गल्फ ऑफ ओमान मतलब हॉर्मुज़ से भी जुड़ गया, रेड सी से भी जुड़ गया और पूरे इस एरिया से भी जुड़ गया। तो उसने एक ऑप्शनल रास्ता निकाला है जिस पर हम हर कभी क्या करते हैं, हम भी आपत्ति दर्ज कराते ही रहते हैं। हालांकि उसने एक ऑप्शनल रास्ता निकाला कि भाई इंडिया अगर नौटंकी करेगा तो यहां से तुमने निकलने नहीं देगा, क्योंकि इंडियन ओशियन में इंडिया की नेवी बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहां से अगर नहीं निकलने दिया और यहां से अगर नहीं निकलने दिया तो मैं जाऊंगा कहां से, पाकिस्तान से, इसलिए वो पाकिस्तान का इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आ रही है बात समझ में, क्योंकि पाकिस्तान से उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, चाइना जहां जहां भी जिसको भी सपोर्ट करता है वहां वहां कहीं ना कहीं उसके आर्थिक हित इकोनॉमिकल बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। Is that clear? क्योंकि चाइना काम करता है इंपीरियलिज्म की पॉलिसी पर, चाइना साम्राज्यवाद की नीति पर काम करता है। Is that clear? और चाइना को अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी साम्राज्य को अपने अधीन करना है तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करके उसकी इकोनॉमी को अपने अधीन कर लो, उसे इकोनॉमिकली गुलाम बना दो। इकोनॉमिकली गुलाम बना दिया तो कहीं ना कहीं हम उस पर धीरे धीरे जो अपना इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अब कुछ ना कुछ यूरोप ने भी ऐसा ही किया होगा। अब यूरोप में क्या हुआ, आप साथियों देखिए, अब हम आते हैं हमारे जो टॉपिक चल रहा है उस पर कि यूरोप ने क्या किया। अब यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यह घटना है 15th सेंचुरी के आसपास की, 15th सेंचुरी के आसपास, मतलब कि 15th सेंचुरी के आसपास की घटना है। और यूरोप ने उस समय पर यूरोप में क्या चल रहा था, रेनेसा चल रहा था, ठीक है, मतलब यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। और ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुनर्जागरण ने क्या किया यूरोप में, मैंने बताया ना पावर शिफ्ट होना, यहां पर पुनर्जागरण हुआ तो देखिए क्या होता है, वो ध्यान रखिए इक्वल नहीं, हर जगह यही फॉर्मूला, इकोनॉमी पर जिसकी पकड़ हुई उसका एम्पायर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही यूरोप ने किया, यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण की वजह से यहां पर जो भी राजा जो भी एम्पायर थे उन एम्पायर ने क्या किया, पुनर्जागरण की वजह से नया नया नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, ठीक है। जब वो ज्ञान लिया तो उस ज्ञान की वजह से नई नई ज्योग्राफिकल खोजों पर इन्होंने ध्यान दिया, ज्योग्राफिकल रिसर्च पर ध्यान दिया, टेक्निकल रिसर्च पर ध्यान दिया, सारी चीजों पर इन्होंने ध्यान दिया पुनर्जागरण, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जो औद्योगिक क्रांति है, वो इसी की वजह से आई थी, क्लियर है बात। तो आप देखिए रेनेसा की वजह से जो वहां के एम्पायर थे, वहां के जो राजा थे, वो उत्सुक हुए, उनके अंदर जिज्ञासा आई, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज द बिगेस्ट कंसेप्ट, ठीक है, फॉर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, उत्सुकता नहीं है, तो आप किसी चीज को बहुत अच्छे से कर ही नहीं सकते। जैसे टॉपिक चल रहा है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए इसको जानने की। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाइना हमसे इतना आगे क्यों निकला है, क्योंकि चाइना के लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत है, वो नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो भी पढ़ रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं उसमें डेप तक जाने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और वो कब आता है, क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, क्यूरियोसिटी का नाम, ठीक है। तो आपको उत्सुकता आपके मन में होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए। अब यूरोप में क्या उस जिज्ञासा को बढ़ाया, पुनर्जागरण ने यूरोप में क्यूरियोसिटी को बढ़ाया, ठीक है। और जब क्यूरियोसिटी बढ़ी, मतलब जिज्ञासा बढ़ी, तो जिज्ञासा की वजह से इन लोगों ने क्या सुन के रखा था, इन लोगों ने जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उस साउथ ईस्ट एशिया की समृद्धि के बारे में बहुत ज्यादा सुन के रखा था, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसकी मतलब जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के बारे में इन लोगों ने काफी कुछ सुनकर रखा हुआ था। इन लोगों को मतलब जो यूरोप के शासक था, यूरोप के जो एम्पायर थे, पुनर्जागरण के माध्यम से जब इनको नई नई चीजें मालूम पड़ी, क्योंकि इन्होंने पुनर्जागरण के समय स्टडी की, और इनकी स्टडी में इन्होंने मार्को पोलो को भी स्टडी किया, मार्को पोलो, ठीक है, जो मेरे ख्याल से 1215 1240 के आसपास की बात है, किसकी यात्रा की, इसमें चाइना की यात्रा की, और जब चाइना की यात्रा की तो इसने यात्रा में चाइना का पूरा वृत्तांत लिखा, ठीक है, चाइना को पूरा डिस्क्राइब किया इसने अपनी यात्रा में, और जब चाइना के साथ साथ पूरा इसको डिस्क्राइब किया तो रास्ते में आने वाली भौगोलिक चीजों को भी डिस्क्राइब किया। तो यहां के एम्पायर को क्या मालूम पड़ा, मार्को पोलो जैसे लोगों की यात्रा से क्या सीखा इन लोगों ने, इन लोगों ने यह सीखा कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है, जो साउथ ईस्ट एशिया है,
उस साउथ ईस्ट एशिया में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, मतलब संपदा तो बहुत ही ज्यादा है यहां पर, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। अब जब बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है और अगर हम यूरोपियंस को वो रिसोर्सेस हाथ लग जाए तो इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसने जरूरी था कि या तो इनको यहीं से रास्ता मिल जाए या कोई नया रास्ता ये खोज ले। तो बड़े जिज्ञासु लोग थे, तो बड़े जिज्ञासु लोग थे, उन्होंने समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ की। ठीक है, ये सारी चीजें हम नोट करते हुए चले, की पॉइंट्स आप बिल्कुल बनाते हुए चले। फिर जब उन्होंने समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ की तो समुद्री यात्रा में उन्होंने क्या देखा कि नई नई चीजें, नई नई चीजें उनको मिलती रही। तो कई बार ये लोग जो हैं, जैसे हमारे यहां पर वास्को डी गामा, सबसे पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498। इज दैट क्लियर? इससे पहले यूरोप से जो पुर्तगाल है यहां से यात्रा करना प्रारंभ की। कुछ लोग यहां तक तो आ गए थे, आपका कैप्टन है यहीं पर साउथ अफ्रीका, यहां पर एक केप ऑफ गुड होप, ध्यान रहे केप ऑफ गुड होप, यहां पर लिख रहा हूं मैं केप ऑफ गुड होप, इसकी यात्रा यहां तक की यात्रा तो काफी लोगों ने, केप ऑफ गुड होप तक की यात्रा। लेकिन इससे आगे कौन निकला? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा इस केप ऑफ गुड होप की यात्रा पर जब निकला तो इस यात्रा के माध्यम से उसने इस पूरे एरिया को पार करते हुए देखा और वो पहुंचा अरेबियन सी तक और वो पहुंचा इंडिया तक। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? मतलब वास्को डी गामा ने ये नया रास्ता खोज दिया था, हालांकि बहुत लंबा रास्ता था इसलिए बाद में स्वेज कैनाल वगैरह बनी, लेकिन अभी हम देखें तो बहुत लंबा रास्ता ट्रेड के लिए उसने खोज निकाला था। हालांकि इस रास्ते की खोज के बाद वो रुका नहीं, क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने लोग और जो वहां के जानकार लोग थे उसका विरोध किया। हालांकि लोगों ने जब वो बंदरगाह पहुंचा तो बड़े उत्सुकता से भारत के लोगों ने उसको देखा कि भैया क्या बना हुई, ठीक है, क्योंकि जो लोग थे तो लोग बड़ी उत्सुकता से वो देख रहे थे उसको कि ये बड़ा ऐसा मतलब पुर्तगाली आदमी, देखो आपने पुर्तगाली लोग कैसे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये आ रहे हैं मतलब तौबा में पहन करके ऐसा क्या यहाँ आ गया, तो वहां से बड़ा अचंभे उससे देखा गया। लेकिन जब उसने वहां के पूरे संसाधनों को देखा, इंडिया के रिसोर्सेस को देखा, ये सारी बात उसने यहाँ आकर पुर्तगालियों को बताई कि भाई जबरदस्त रिसोर्सेस है, जो हमने सुना है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में वो हमने बिल्कुल सही सुना है। क्लियर? मतलब उसने क्या बोला कि जो हमने सुना है वो बिल्कुल ही सही सुना है। और इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से वास्को डी गामा की यात्रा के बाद पुर्तगाली जो है इसी रास्ते से एशिया आए। इज दैट क्लियर? और जब इस रास्ते से एशिया आए तो उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब मैं ये कह सकता हूं उन्होंने वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोज लिया और वैकल्पिक समुद्री मार्ग से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? व्यापार करना स्टार्ट किया वैकल्पिक समुद्री मार्ग से। अब मैंने आपको पुर्तगाल के साथ ये सारी चीजें समझा दी है, अब मैं बार बार ब्रिटिश डच उनके किसी के साथ ये सारी चीजें आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक लेक्चर था इसलिए मैंने आपको सारी चीजें समझाई है, और ध्यान है आपको पढ़ाई इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूं, क्योंकि यही तरीका सबसे ज्यादा सही और इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हर लेक्चर में आपको आपको बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैकल्पिक मार्ग की खोज कर ली और एशिया आ गए, और जब वैकल्पिक मार्ग की खोज कर ली एशिया आ गए तो उसके बाद फिर क्या होता है वो हमें देखना है। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद फिर यह होता है कि देखो जब वास्को डी गामा ने एशिया की खोज की और जब वो मतलब भारत के समुद्री तट पर जब वो पहुंचा, जब सारी चीजें हो गई तो उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि इन सब चीजों के माध्यम से और जो पुर्तगाली लोग थे मतलब यूरोप के मतलब पुर्तगाली, हम पुर्तगालियों के आगमन की बात कर रहे हैं, तो पुर्तगालियों के अंदर जिज्ञासा और जगी कि हमें भी उस रास्ते पर जाकर व्यापार करना चाहिए। तो कहने लगे पुर्तगाल से कुछ लोगों ने परमिशन ली और एक कंपनी की स्थापना करने की कोशिश की, कहां पर? हमारे इंडिया में, ठीक है। और उसके माध्यम से इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया। तो वो कब कब हुआ? कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। पुर्तगालियों के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखना नहीं आपको अच्छे से होने लगे 1498। इसके बाद आप ध्यान रखिए 1500। तो सबसे पहले 1500 में कहा? 1503 में कहा? कोचीन। ध्यान रखिए फैक्ट आप नोट करते हुए चले। 1503 में कहां पर? कोचीन। इज दैट क्लियर? उसके 1505 कन्नूर। 1505 कहां? कन्नूर। सबसे पहले कोचीन, ठीक है, उसके बाद कन्नूर।
और जब 1505 में कन्नौज तक पहुंचे तो यहां पर गवर्नर नियुक्त हुआ पुर्तगालियों की तरफ से फ्रांसिस्को ठीक है दी अल्मेडा अल्मेडा ठीक है, ये उनकी तरफ से गवर्नर नियुक्त किया गया कहां पर इंडिया इज दैट क्लियर कौन फ्रांसिस्को दी अल्मेडा उनकी तरफ से कौन नियुक्त किया गया गवर्नर नियुक्त किया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ठीक ये सब चीजें ये फैक्ट्स है अब ध्यान है आपको जब भी हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्स आएंगे आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप सोचेंगे फैक्ट्स पढ़ना इतना अच्छा पढ़ा था तो तुरंत फैक्ट्स पर पहुंच गए तो फैक्ट्स भी आपको कुछ मात्रा में ध्यान रखना जब इनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो फैक्ट्स आपको इजीली तरीके से याद रह जाएंगे ज्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से यहां पर आपको नहीं आएगी मुझे जहां तक लगता है इज दैट क्लियर तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा यहां पर आया फिर चीजें क्या हुई फिर देखो ऐसा होता है यहां पर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के आने के बाद इसने क्या किया इसने योजना बनाई फिर पुर्तगालियों ने क्या किया पुर्तगालियों ने योजना बनाना प्रारंभ किया पुर्तगालियों ने कैसे योजना बनाना प्रारंभ किया कि पुर्तगालियों का विरोध हुआ जब ये इस रास्ते से भी आए तो पुर्तगालियों का काफी विरोध हुआ किसने अरब जो अरब यहां पहले से ही बैठे हैं इंडियन ओशियन इस वाले सी में और यहां पर इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने इनका काफी ज्यादा विरोध किया कि हम तुम्हें साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार नहीं करने देंगे लेकिन जहाज और टेक्नोलॉजी के मामले में क्योंकि उस समय यूरोप में रेनेसा कहने के स्टार्ट हो चुका था धीरे धीरे तो जहाज और अन्य लड़ाई की टेक्निक्स के मामले में अरब जो थे जो जल में जो हम कह सकते हैं कि जो जल सेना जो होती है जो नेवी होती है उसके मामले में ये लोग पुर्तगालियों की तुलना में थोड़े वीक थे बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे पुर्तगालियों ने उसी चीज का बेनिफिट लिया और पुर्तगालियों ने क्या किया उस चीज का बेनिफिट लेकर अरेबियन सी पर जो अरब का कब्जा था ठीक है उसको वहां पर हराया है ना उस कब्जे को वहां से छुड़वाया वो कैसे छुड़वाया हर कभी अरबों के जहाज लूट लेते थे उनके जहाज की लूटामारी कर लेते थे जहाज की लूटामारी करने के साथ साथ कभी कभी उनके जहाज को उड़ा देते थे ये बहुत सारी उनकी गतिविधियां प्रारंभ की जब सारी गतिविधियां इनकी चलती रही सारी चीजें चलती रही तो उस टाइम पर क्या हुआ उस टाइम पर अरेबियंस जो थे जो अरब थे उनके पास से पावर कहां शिफ्ट हो गई यूरोप मतलब पावर कहां शिफ्ट हो रही है यूरोप शिफ्ट हो रही है मतलब सिंपल सी बात है कि अब जो ज्यादा पावरफुल है सिक्का उसी का चलेगा इस एरिया में ठीक है तो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने अरेबियन सी इंडियन ओशियन ठीक है और यह जो पूरा पोर्शन मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन सब पर अधिकार कर लिया और यहां से लगातार यहां तक का पूरा जो जल मार्ग से व्यापार था उन्होंने अपने अधीन कर लिया देखिए यहां तक बात आपको समझ में आई तो इन्होंने व्यापार पर मोनोपोली स्टार्ट की एकाधिकार स्टार्ट किया अब मैं जब ये सेंटेंस बोलूंगा कि व्यापार पर एकाधिकार तो व्यापार पर एकाधिकार मोनोपोली ठीक है मोनोपोली ऑन ट्रेड मोनोपोली ऑन ट्रेड बाय पुर्तगीज कैसे किया पुर्तगीज ने अपनी चालबाजी नीतियों के माध्यम से ठीक है घाट लगाकर भाव करने की नीतियों के माध्यम से जहाज अपने जहाजों की ताकत के माध्यम से ठीक है अपनी ताकतवर नेवी के माध्यम से इन सबके माध्यम से क्या किया इन सबके माध्यम से अरेबियंस जो थे जिनका इन्फ्लुएंस जिनका प्रभाव इस एरिया में बहुत ज्यादा था उनको हरा दिया और उनको हराकर अपना सिक्का इस एरिया में जमा लिया देखना क्वेश्चन वाइज होता है यहां पर वो ये क्या इंडिया ने इन्हें नहीं रोका ये वाली एक इंपॉर्टेंट बात है क्या भारत ने इनको नहीं रोका होगा यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर उभर कर सामने आता है देखो भारत ने रोकने की कोशिश की लेकिन ये लोग भारत से रुक नहीं पाए उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि उस टाइम पर जो इंडिया की नेवी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी क्योंकि हमारे शासकों ने नेवी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और जब नेवी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो हमारी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इस एरिया में इनसे लड़ सके इसलिए इन्होंने व्यापार पर ट्रेड पर मोनोपोली अपनी जमा ली और मोनोपोली स्टार्ट कर दी इज दैट क्लियर बढ़ते हैं इसमें आगे साथियों ठीक है मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर सारी चीजें समझ में आई ठीक अब इसके बाद 1503 कहां कोचीन और 1505 कहां 1505 अगर आप देखेंगे कुछ फैक्ट्स मैं बता दे रहा हूं आपको 1505 में कहां पर कन्नौज ठीक है तो कोचीन कहां है केरल इज दैट क्लियर वास्को डी गामा कहां आया था केरल में कहां पर अगर आप देखेंगे तो कालीकट तट ध्यान रखिएगा केरल कालीकट तट फिर 1503 में कोचीन में उन्होंने अपनी फैक्ट्री प्रारंभ की पहली केरल में उसके बाद 1505 में कन्नूर ध्यान रखिएगा 1498 में 1505 कहां
कन्नूर। अब कन्नूर कहां पर स्थित है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कन्नूर स्थित है तमिलनाडु, कहां पर स्थित है ये, तमिलनाडु में स्थित है, टीएन तमिलनाडु इस जगह पर स्थित है। इसके बाद 1509, ध्यान रखिए 1509, 1503, 1505 और फिर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं 1509 की। 1509 में जो अल्मेडा था, ये व्यक्ति फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, जिसको गवर्नर बनाया गया था पुर्तगालियों की तरफ से भारत का, उसने क्या किया, उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उसने बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना घटी, गुजरात तुर्की और मिस्र, ध्यान रखिएगा 1509 में गुजरात तुर्की और मिस्र, ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना को, संयुक्त जो नौसेना इनकी थी, उस संयुक्त सेना को, मतलब जो इनकी पूरी जॉइंट आर्मी थी, उस पूरी जॉइंट आर्मी को अल्मेडा ने हरा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्मेडा ने हरा दिया। और अल्मेडा ने जब हराया तो 1509 में, अब इसके इन्फ्लुएंस क्या है, इसके प्रभाव क्या रहेंगे, इसके प्रभाव यह रहेंगे कि एक यूरोपियन पावर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में इस एरिया में जीत चुकी है, और उसने काफी पावरफुल माने जाने वाले तुर्की, मिस्र और भारत, इज दैट क्लियर, भारत में कहा गुजरात, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया है। मतलब इससे क्या स्थिति निकलकर सामने आई, ये कहीं ना कहीं ये लोग नेवी के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, और इनकी काफी ज्यादा कमजोरियां जो है निकलकर यूरोपियंस के सामने गई, और कमजोरियां सामने गई प्लस यूरोपियंस का कॉन्फिडेंस बढ़ा, पर अल्मेडा का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसने इन तीनों को हराया और इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार और भी अच्छे तरीके से मजबूत कर लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो ध्यान रखिए 1503, 1505, 1509 बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद आता है 1510, 1510 में पुर्तगालियों ने क्या किया, वेरी इंपॉर्टेंट, 1510 में उन्होंने ये किया, अल्फांसो डी, ठीक है, अल्बुकर्क, नाम ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यहां पर फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, इसको इन्होंने क्या बनाया, गवर्नर, और फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क को इन्होंने भारत का बना दिया वायसराय, क्या बना दिया, वायसराय बना दिया, इज दैट क्लियर, क्या बनाया, वायसराय, और इसने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया, ठीक है, और गोवा पर अधिकार कर लिया, किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया, बीजापुर के सुल्तान को हराया, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया वो क्या किया, गोवा पर अधिकार कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, और गोवा पर अधिकार कर इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, कब, 1530 में, 1530 में इन्होंने गोवा को ही अपनी आधिकारिक राजधानी बना ली, ओके। और एक और क्वेश्चन मेरे को ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 1511, 1511 में पुर्तगालियों ने क्या किया था, 1511 में पुर्तगालियों ने जो मलक्का है, ये वाला एरिया बताया मैंने आपको, ये वाला एरिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया, इज दैट क्लियर, जहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा तो आपको चीजें आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से इस पूरे चीजों को समझा दे रहा हूं, पूरा बाइंड अप कर दे रहा हूं, क्या क्या चीजें हमने देखी है, हमने देखा है, फिर से सुन लीजिए, 2 से 4 मिनट में पूरा रिविजन कर दे रहा हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले देखा प्राचीन समय में साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का संबंध किससे रहा है, साउथ ईस्ट एशिया का रिलेशन, जो ट्रेड के लिए रिलेशन था वो यूनान एंड रोमन एम्पायर से रहा है, और यूनान एंड रोमन एम्पायर ने काफी समय तक ट्रेड किया, किसके माध्यम से, लैंड, मतलब वाटर, लैंड फिर वाटर, वाटर लैंड फिर वाटर, इनके माध्यम से उसने ट्रेड किया, ठीक है, और रेड सी, और जो आपका यह है गल्फ ऑफ ओमान, हम ठीक है, अमृत स्ट्रेट, इन क्षेत्रों से उसने क्या किया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड किया, ठीक, व्यापार किया, और व्यापार ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब इस्लाम का बहुत अच्छे तरीके से उदय हुआ और जो अरेबियन जो कंट्रीज थी, जो अरब पूरा था, जब वो पावरफुल हुआ तो धीरे धीरे 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक इस पूरे एरिया में अरब जो थे उनका इन्फ्लुएंस रहा, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, और उन्होंने व्यापार पर मोनोपोली कर ली, ट्रेड पर मोनोपोली कर ली, और जो वाटर से पूरा ट्रेड होता था, जो जल के माध्यम से पूरा ट्रेड होता था, उस पर मोनोपोली कर ली, एकाधिकार जमा लिया, और एकाधिकार जमाने के साथ साथ उन्होंने भारतीयों को भी डरा कर रखा घोड़ों के व्यापार की धमकियों को देकर, और वो इनको भी इतनी आसानी से अंदर नहीं आने देते थे, और बहुत ज्यादा समस्या कब पड़ी, जब 1453 के आसपास तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और यूरोपियंस का इधर आना जाना बहुत बुरे तरीके से बंद कर दिया, तुर्की के साथ था उस समय ओटोमन एम्पायर का, ठीक है, उसकी वजह से और उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ,
उस पुनर्जागरण की वजह से यूरोपियंस जो थे उन यूरोपियंस ने नई नई चीजों को जानने की कोशिश की, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उन लोगों ने नई नई ज्योग्राफिकल यात्राएं प्रारंभ की मार्को पोलो जैसे लोगों की यात्राओं को पढ़कर। और इसी यात्रा के क्रम में एक पुर्तगाली नाविक के ठीक है केप ऑफ गुड होप की यात्रा पर आया और वो यहां तक फिर इंडिया तक पहुंचा। उसने पहली बार वो भारत के समुद्री तट पर पहुंचा और उसने समुद्री तट की खोज की। उसके बाद और पुर्तगाली यहां पर आए और उनके आने के बाद क्या हुआ, उनके आने के बाद उन्होंने अपने जो जहाज ताकतवर जहाज थे, अपनी जो ताकतवर नौसेना थी, उसके माध्यम से इनका जो प्रभाव था अरब का, उस अरब के प्रभाव को इस क्षेत्र में बिल्कुल कमजोर कर दिया और ये क्षेत्र पर व्यापार के मामले में अपना एकाधिकार जमा लिया। और एकाधिकार जमा के भारत से पूरे साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब ये कौन सा जो साउथ वाला एशिया और ईस्ट एशिया, इसे मतलब दक्षिण पूर्व पूरे एशिया से व्यापार इन्होंने अच्छे तरीके से करना प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आप ध्यान रहे। सबसे पहले इस मार्ग से कौन आया, वास्को डी गामा, केप ऑफ द गुड होप 1498, ठीक है, कालीकट, और कालीकट कहां पर है, केरल, ध्यान रखिए 1498। उसके बाद 1503 में कोचिन में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, कोचिन कहां, केरल। 1505 कन्नूर में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, कन्नूर कहां पर, तमिलनाडु, जो जंक्शन पर है किस किस के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। उसके बाद इसी समय 1505 में गवर्नर बना फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, भारत का गवर्नर किसकी तरफ से, पुर्तगाल की तरफ से, ध्यान रखिए ना दो नाम है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने क्या किया, व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए जो गुजरात, तुर्की और मिस्र की संयुक्त नौसेना थी उसको अल्मेडा ने हरा दिया और क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर दिया और व्यापार पर एक अधिकार करने क्रम को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में 1509 में इसी ने काम किया था, 1505 में जो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा वाला था, 1509 में उसने, ठीक है, 1509 में क्या हो गया, संयुक्त सेना को हरा दिया। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट यह है कि 1510 में जो ये नाम लिखा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको वायसराय बनाया, किसने, पुर्तगालियों ने, भारत का। जैसे ही ये वायसराय बना इसने बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया, मतलब जो दक्कन वाला एरिया पड़ता है आपका, ठीक है, उस एरिया के राजा को उसने हरा दिया और गोवा पर अधिकार कर लिया, क्लियर। और उसी गोवा को बाद में 1530 में पुर्तगालियों ने अपनी औपचारिक राजधानी बनाई, कहां, भारत की, ठीक है। और इसी क्रम में देखें 1511 में उन्होंने मलक्का पर भी अधिकार कर लिया, मलक्का कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस पूरे यहां पर इनका अधिकार हो गया, ठीक है, इस पूरे एरिया से आ रहे हैं, यहां पर इनका अधिकार हो गया और मलक्का पर भी इनका अधिकार हो गया, मतलब व्यापार पर इनकी मोनोपोली हो गई जल वाले रास्ते में, मतलब व्यापार पर, ट्रेड पर इनका एकाधिकार स्थापित हो गया और इस एकाधिकार का उन्होंने फायदा उठाया और अपने तरीके से ट्रेड करना प्रारंभ कर दिया। और बाद में फिर जो अरब वगैरह थे, जैसे इन्होंने पहले किया था, बाद में यहां ये करने लगे कि अब तुम्हें इधर जाना है तो अब तुम्हें पुर्तगाल से परमिशन लेनी पड़ेगी, अब तुम्हें पुर्तगालियों के इशारों पर नाचना पड़ेगा, और इन्होंने इन सबको इस पूरे एरिया में, मतलब पानी में, अपने इशारे पर नचाना प्रारंभ कर दिया और अपने ट्रेड को बढ़ाते हुए चले गए। इज दैट क्लियर। तो इस सबको क्या सीखने के लिए मिला है, इससे देखिए हिस्ट्री हमेशा सिखाती है, इससे आपने उस आपको सीखने के लिए मिला कि ये लोग जो जिज्ञासु बन का था ना, क्यूरियोसिटी, उस जिज्ञासुपन की वजह से इन लोगों ने इस रास्ते की खोज की, नए रास्ते की खोज कर दी उस जिज्ञासुपन की वजह से। और उसी जिज्ञासुपन की वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में आया था, उस यूरोप के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को उसने जबरदस्त तरीके से पढ़ा लिया। मैंने पहले आपको बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही कि हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, और ध्यान रखें क्यूरियोसिटी से ही आप इसको पढ़े, सीखने के उद्देश्य से ही इसको आप पढ़े। पहले आए इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कमजोरियां देखी, कमजोरियां कहां है, और कमजोरी देखकर अपनी ताकत को बढ़ाकर इन्होंने धीरे धीरे अधिकार जमा पर करना प्रारंभ कर दिया और अधिकार कर भी लिए। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट्स आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है, प्लीज लाइन बाय लाइन फैक्ट ध्यान रखें। 1499, 1503, 1505, 1509, 1510, 1511, 1530 पुर्तगालियों के मामले में। अब हम जब आगे डच पढ़ेंगे, अब हम जब आगे ब्रिटिश पढ़ेंगे, जब हम आगे डेनिश पढ़ेंगे, वहां आगे फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ये जो कहानी है ये पूरी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये कहानी अब मैं आपको समझा चुका हूं। इज दैट क्लियर। क्योंकि रास्ता खुल गया है, और जब रास्ता खुल गया है तो अन्य यूरोपियंस भी इंडिया आएंगे। ये टॉपिक अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स माने जाते हैं, बट मुझे उम्मीद है साथियों कि इस लेक्चर के माध्यम से आपके कई सारे डाउट्स जो हैं
वो क्लियर हुए होंगे, काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे इस सारे लेक्चर के माध्यम से। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपने लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप इस लेक्चर को जैसा क्या एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें। ठीक है, खुश रहें, नियमित पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।